पता चलता है कितना मेहनत करते हैं अंकल जी। ओ माय गॉड, ऐसे करके सब कुछ किसके वजह से हुआ? राजी के वजह से। पता है अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रविंद्र सदन कोलकाता में, ये भी है देखने वाली चीज, तो अंदर में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। हो रही है वाटरफॉल, चलिए अंदर में देख लेते हैं क्या है जी। मैं भी तो देखी नहीं हूँ, और यहाँ का व्यू आप लोग देखिए। टाइम लगती है वो देखने के लिए कि कुछ दिखाएगा, तो इसलिए हम लोग फिर वापस आ गए, क्योंकि और कहीं भी जाना है। तो चलिए बाद में कभी देख लेंगे, वैसे देखिए है तो आप लोग आके देख सकते हैं। बस मैं बता देती हूँ कि ये एरिया में क्या क्या है। गाइस पता है यहाँ का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बड़ा रोड, और गाड़ी इतना फास्ट चलती है, थोड़ा बच के चलना पड़ रहा है, केयरफुल होकर के, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा बस है और स्पीड में चलती है पूरा। तो देखिए यहाँ पे लग नहीं रहा है कि कोलकाता में है, मुंबई जैसा फील हो रहा है। कोलकाता भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड बहुत है। और ये वाला बिल्डिंग देखिए कितना लंबा, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। और पता है मैं दूर से क्या बोल रही हूँ, 2-3 रूम होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बड़ा है, यहाँ देख सकते है। यहाँ पे स्ट्रीट भी जो है जगह जगह में इतना फैंसी फैंसी लाइटनिंग वगैरह लगा हुआ है। यहाँ का नाइट व्यू ना काफी अच्छा आएगा, तो आप लोगों को दिखाएंगे पूरा। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं उस पार। तो चलिए उस साइड हम लोगों का गाड़ी भी है, लेकिन इतना ये है ना, बहुत केयरफुल होके अभी जा रहे हैं रूम, क्योंकि ये खाना खा के जो निकले हैं तो उस वक्त से चले जा रहे हैं। हालत हो गई है ख़राब, और साउंड इतना तेज से बहुत जोर से बोल के ना, मुँह भी पूरा सूख गई है पूरा, इतना मोटी थी मैं और इतना हो गई हूँ। और यहाँ पे ना ओल्ड मॉडल का टैक्सी चलती है। हाँ वो सब टैक्सी, लेकिन पता है उसका रेंट बहुत है, लेकिन वहाँ ना वो ना ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ कोलकाता में सबसे सोचेगा तो यही सबसे अच्छा चीज़ है, इधर बिल्डिंग्स वगैरह है, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ। अभी हम लोगों का कवर हो पाएगा कि नहीं, फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कवर करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोग जा रहे हैं रूम, बस पकड़ने जा रहे हैं, क्योंकि टैक्सी तो उससे अच्छा कि हम लोग यहाँ बस से चली जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कम बजट में हम लोगों को कवर करना है। पैदल जाने पड़ रही है, क्योंकि सब कुछ किसके वजह से हुआ? राजी के वजह से। पता है अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। मेरा वजह से कहा है इसको बहुत पीटने का मन करता है, ये हमेशा काम बिगाड़ते रहता है। क्या किए हम? हम बताते हैं तुमको जाके। पहले कुछ खाना, मेरा गला सूख रही है, सोचिए कुछ जूस वूस पी लेंगे, लेकिन एक जूस का दुकान भी मिला तो अंकल है नहीं, अंकल भैया जो कौन था वही गायब है। तो हम लोग को मन कर रहा था खुद से बना के पी ले क्या जी, लेकिन नहीं पिए, यही काफ़ी है। सोचने की मौसमी का जूस पिए थे उस वक्त, लेकिन अभी कुशियार का पीना है, क्योंकि ये है ना कोलकाता के स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। हाँ तो बस ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग करना कैसा है? लग रहा है मज़ा आता है, और क्या शर्म भी लग रहा है इसको, पता है मैं जैसे कैमरा उठाती हूँ ना इसको शर्म लगता है। अभी पहले 2 साल पहले की बात, 2 साल पहले नहीं, तुमको अभी भी इसलिए ब्लॉग बनाता हूँ, अभी भी बहुत लगता है, बट मुझे नहीं लगता। फाइनली गाइस उस वक्त से खोज रहे थे जो, वो मिल गई यहाँ पे, गन्ने का जूस। आओ पियो। तो अभी गन्ने का जूस पियेंगे, चलो बंद करो। गर्मी से पता है चल के परेशान हो गए उस वक्त से। यहाँ गन्ने का जूस निकाल रहा है, और ये आपको दिख रहा है अभी, आप लोगों को ये सब दिख रहा है। यहाँ ना ट्रम चलती थी, अगर ट्रम चलती ना हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। मैं सोची थी कि ट्रम में बैठूंगी, लेकिन अभी बंद हो गया है। और नजीक वो 20 साल पहले की बात की, कुछ साल। हाँ तो नजीक देखा जूस की तरफ कितने गौर से देख रहा है, गर्मी भी बहुत है यहाँ पे। और ये अंकल जी जूस निकाल रहे हैं, बारह पंद्रह साल से नजी का अनुमान तो ठीक ही लग रहा। अंकल जी बता रहे कि 12-15 साल से ये ट्रम बंद है, और मुझे लगा कि 1-2 साल से बंद है शायद, मुझे पता नहीं थी। हाँ अच्छा, हाँ बस निकाल दिया इसलिए ट्रम बंद कर दिया ट्रम को।
चलो नजी को उस वजह से लाइक तो मिलना चाहिए 10/10। तो नजी तुम इतना बता दिए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो होना ही चाहिए ना। वो तो होना ही चाहिए, और अंकल जी बताया जो लगभग अनुमान नजी का सेम निकल गया, तो इतना बनता है भाई। चलो आप लोग कर दीजिए जल्दी से। गाइस आप लोग मिलेगा नहीं इससे हमें। नहीं नहीं मेरा गला सूख रहा है एकदम से, बहुत परेशान हो गए हम। चल चल करके आप लोग भी पी लीजिएगा। अभी जहाँ पे है ये स्ट्रीट का नाम है गंगोली स्ट्रीट, तो यहाँ कोलकाता का हर स्ट्रीट एकदम मस्त है। और यहाँ ज़्यादा ना फर्नीचर और ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा है। मुझे ना मन कर रहा है कि कुछ ज्वेलरी एयरिंग्स वगैरह ले लूँ, लेकिन गरीब हूँ गाइस, गरीब मैं, गरीब करूँ तो मैं गरीब हूँ इसलिए मैं नहीं ले सकती। मैं इसमें देख सकती हूँ और आप लोगों को बस दिखा सकती हूँ। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे पूरा दुकान लेके जाएंगे। अच्छा नजी ने कह दिया तो वो इंशाल्लाह जरूर होगी और जरूर मैं लूंगी। बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, बस यही है। दो दिन में पैसा डबल। अच्छा नजी बोल दिया और हो गया, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, बस इतना ही। चलो आप लोग से यही उम्मीद है। यहाँ पे अभी भी ये रिक्शा चल रहा है, कितना मेहनत करते हैं अंकल जी। ओ माय गॉड ऐसे करके। तो गाइस ये जो है वो बाजार ज्वेलरी मार्केट है, यहाँ पे यहीं पे आपको ज्वेलरी पूरा मिलेगा गंगोली स्ट्रीट में। सबसे बड़ा डायमंड का नदी सिर्फ बता रहा बार बार कि यहाँ पे मिलेगा, लेकिन खरीद करके तो देगा नहीं मुझे, सिर्फ ये बोलेगा, सिर्फ बोल बोल के तसल्ली रख क्या बोलता है, तसल्ली रख मिलेगा एक दिन जरूर। तो चलो तसल्ली रखते हैं गाइस, कब मिलेगा नहीं पता, कब मिलेगा वो नहीं पता। नजी अगर बड़ा हो जाता तो शायद मिल जाती, लेकिन पैसा तो अभी तो मेरे पास पैसा थोड़ी ना है, वो तुम दोगे तभी तो। मेरे पास पैसा रहा तो मैं खुद खरीद लेती, मैं किसी से मांगती नहीं, लेकिन क्या करूँगी, एक दिन होगा तो फिर नहीं मांगूंगी। ये भी सही बात है मजाक उड़ा लो। गाइस यहाँ पे है फल बाजार मंडी, या देख सकते हैं पूरा भर भर के रखा है, मैंगो है बहुत कुछ, मतलब पूरा फल मंडी है ये मंडी। यही सब जाते हैं घर के तरफ हम लोग का, किशन के तरफ। देखो कितना बड़ा है भाई, पूरा यहाँ मंडी पूरा बड़ा हुआ ही है। नजी खाओगे मैंगो? लेकिन अभी मतलब अच्छा नहीं होगा ना, अभी मंडी है ये सब्जी मंडी। अकेले आप लोग को भी खिला देते हैं, आप लोग भी खा जाइए जल्दी खाइए, हमको भी खाना है। ड्रेस में मेरा बहुत सारा ब्लॉग बन गया ना, लेकिन क्या करें क्योंकि दिन भर मेरा टोपी पहन के थी, बताइए। नहीं मुझे दोनों, मुझे धूप लग रही थी इसलिए पहनी थी, और गर्मी भी लग रही थी मेरा नहीं। तो चलो मैं खरीद लूंगी ना, उसके बाद फिर तुम ले लेना ये वैसे भी पुराना है गाइस, मजबूरी में पहने हैं, मजबूरी में उसे मैं नया लेने वाली हूँ। मैं नया वाला लेने वाली हूँ, तो बस अभी जाऊंगी रूम, उसके बाद फ्रेश हो जाऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग फिर बहुत अच्छा बनने वाली है, तो ये वाला ब्लॉग आप लोग देखिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।